राकेश कुमार सोनी। बट इन दिस केस ऑन 2/5/2023 पिटिशनर अपनी भांजी की शादी में कन्नर लेने के लिए रीवा गए थे। नाउ वी हैव फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट हैज राइट क्लोज ऑफ द एप्लीकेंट इन द आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस। दिस ऑनरेबल कोर्ट पास द ऑर्डर एंड स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ द लेबर कोर्ट मैटर। नहीं, क्या मैटर, क्या समझा मैटर नहीं, ये वेयर इज द है, ऑर्डर? मैं सर 2/5/2023 का पेज नंबर 26 पे हाँ ऑर्डर दीजिएगा पढ़िएगा इसको, ऑर्डर लीजिए। पढ़िएगा। प्रथम पक्ष द्वारा स्वयं सो, द्वितीय पक्ष द्वारा से प्रकरण। प्रथम पक्ष साक्ष्य हेतु पेश है, प्रथम पक्ष स्वयं साक्ष्य हेतु उपस्थित है। साक्षी को परीक्षण उपरांत उन्मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र से साक्षी की साक्ष्य कराने हेतु पेश किया गया। प्रतिलिपि द्वितीय पक्ष को प्रदान की गई। उन्होंने आवेदन का मौखिक विरोध रूप से घोर विरोध किया। दोनों पक्षों को आवेदन संक्षेप में है कि साक्षी शारदा प्रसाद अपनी डाटानिला की शादी में रीवा गए हैं। उक्त आधार पर साक्ष्य हेतु समय दिया जाए। द्वितीय पक्ष द्वारा आवेदन का मौखिक घोर ये रूप से केस कब विरोध। का है, कब से पेंडिंग है सर ये? अभी तो रेफरेंस है, नॉन एप्लीकेंट अरे एप्लीकेंट आपसे जो एंटिटी। पूछ रहे हैं सवाल, सोनी जी, हाँ आपकी प्रॉब्लम ये है, आप सीधा जवाब नहीं देते हैं। सर, 2016 का मैटर है, 16 का रेफरेंस। मैटर है, फिर हाँ बताइए हाँ रेफरेंस मैटर है ना, एप्लीकेंट एविडेंस है। कब और रेफरेंस कब हुआ था लेबर कोर्ट को? दो केस नंबर है सर इसका 2016। जी फिर सर व्हाट इज रॉन्ग इन इट? नहीं, रॉन्ग ये है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इसमें रेगुलाइजेशन का मैटर है सेक्शन 2A में, कि हाँ यूनियन मैटर रेफर करती है। साक्षी जो हमारी साक्षी तो हो गई है, एप्लीकेंट की साक्षी हो गई, लेकिन उनकी डाटा निला की शादी थी, किसकी डॉटर इन लॉ की शादी थी? जो यूनियन लीडर है जिन्होंने मैटर रेफर किया हुआ था, शेष ठीक है, साक्षी। तो यूनियन लीडर अगर जो है खुद नहीं है तो उनका सचिव कोई और भी तो आके नहीं साक्षी दे नहीं सर, सकता वो है। जो पावर पेश करते हैं ना सेक्शन 2A में, हाँ जो ठीक है, एप्लीकेशन पे कॉस्ट दस्तखत। पे आपको एक टाइम दे देते हैं। सर कोऑर्डिनेट बेंच ने ऐसा किया है, नहीं किया होगा, मैं हम नहीं मानते, हम आपको कॉस्ट पे टाइम दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आई विल नॉट स्टे एंड सर कीप दी मैटर पेंडिंग, दैनिक वेतन लिखिएगा। भोगी पे क्या ठीक है, क्या जो भी है, दैनिक वेतन भोगी को पैसा मिलता है, नहीं और सर यूनियन भरेगी ना कॉस्ट तो। नहीं 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 ऐसा लिखिएगा, सर इसमें पिटिशनर इज एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/5/2023 पास्ड बाय लर्नेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट जबलपुर इन। सर इसका हमने कार्ड, मैरिज कार्ड और आप सब टिकट भी लगाया होगा, ठीक है। पेश की है केस नंबर 62/2015 सर। केस नंबर ITR गलत हो एक्ट। गया है। पिटीशन कोई और बनाता है क्या आपके नहीं लिए? नहीं सर, ये ठीक है सर, ठीक सर। नहीं फुल स्टॉप। इट इज सबमिटेड दैट क्लेमेंट हैड रेड लेड हिज एविडेंस, बट एविडेंस ऑफ द यूनियन लीडर कुड नॉट बी एड्यूस्ड एज ही वॉज बिजी इन पार्ट ही हैड गॉन टू रीवा टू पार्टिसिपेट इन मैरिज ऑफ हिज डॉक्टर इनला डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ की और मैरिज होती है क्या? डॉक्टर इन सिस्टर इनला हो सर, उन्होंने गलत कहाँ है किया। वो कार्ड, कहाँ है ये दिखाइए। सर कार्ड ये है, पेज नंबर 29 पे देखिएगा सर। हाँ शारदा प्रसाद विश्वकर्मा ये मामा है और इनकी शादी में गए हैं वो, 30 नंबर पे कार्ड। शादी की डेट है 3 मई। शादी शादी की डेट है 3 मई हाँ फिर और हमारी जाने की तारीख है 1 मई नहीं, जबलपुर वो होगी ये जांच, ये फिर क्लोज कब किया गया है आपका दो ये? पांच को। अच्छा, तो लिखा ही हैड टू पार्टिसिपेट इन अ मैरिज एट रीवा ऑन 3/5, देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वन लास्ट अपॉर्चुनिटी बी ग्रांटेड। फुल स्टॉप। इट इज एविडेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट केस इज पेंडिंग सिंस 2015। लर्नेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व दैट सफिशियंट अपॉर्चुनिटीज वॉज ग्रांटेड, बट बाई वे ऑफ लास्ट इंटेलिजेंस एंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹2,000 सर टू इन का नहीं फेवर सर, इन। उनकी सैलरी पांच हाँ हजार ठीक रुपये है, दे सर, प्लीज 500। मैं खारिज भी कर सकता हूँ इसको। रिक्वेस्ट कर सब्जेक्ट सकते टू हैं। पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹2,000 वन लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू इन फेवर ऑफ द पिटिशनर टू लीड एविडेंस। फुल स्टॉप। नेक्स्ट डेट क्या लगी है? फुल आज ही की है सर। स्टॉप। पार्टीज आर डायरेक्टेड टू अपियर बिफोर द लर्नेड लेबर कोर्ट फॉर विच डेट इज फिक्स टूडे एंड लीड देयर एविडेंस, एंड इफ दे अपियर एंड डिपॉजिट द कॉस्ट एंड लीड एविडेंस देन लेबर कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लेमेंट फर्स्ट एंड पार्टी क्लेमेंट, बट इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर एडजॉर्नमेंट विल बी सॉट बाई द पिटिशनर टू लीड एविडेंस। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हाँ 500 रुपये कर दें, नहीं दे पाएंगे नहीं, अगर चलिए डेट मत दीजिएगा, मत करिएगा एविडेंस, मत कराइएगा। सर चलिए इतनी इतनी रिक्वेस्ट हाँ ठीक है, कम कर चलिए। दीजिए सर। नहीं नहीं आप ठीक अपनी जो भी आप करना चाहें सर कर। ठीक नंबर ऑफ टर्म्स पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ सर सीसी टुडे, लेट टाइप कॉपी ऑफ द ऑर्डर बी गिवन जस्ट नाउ। अभी आप मेरे से लंच के पहले टाइप करा के और साइन करा के दे दीजिएगा सर इनको। कल कब प्रोड्यूस होने नहीं ये? नहीं आज
सर आज आज जाइए, एविडेंस कराइए, सर कल कर आज दीजिए, कल कर दीजिए, शैल अपियर बिफोर द लेबर कोर्ट टुडे एंड विल एड्यूस एविडेंस बाय टुमारो। चलिए, ये भी सेम है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपने अब यू आर वेस्टिंग टाइम। चलिए, सर कास्ट कुछ कम 1,000 कर दे सर नहीं नहीं मैं। नहीं 41 भी सेम है, सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, सेम कॉस्ट पर। चलिए, नंबर 42 शर्मा सर मैं एक मंडे कर दें तो बहुत मेहरबानी नहीं होगी नहीं सर। ये सब नहीं, ये सब नहीं, कल कल आप एविडेंस नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए।